18th बर्थडे आ गया। इतना छोटा क्या हो सकता है। ओ मेरा फाइनली ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। अब मैं कार ड्राइव कर सकती हूँ। तो कल मैं काफी खास ट्रिप पे जाने वाली हूँ और इस ट्रिप का मजा आप लोग भी लोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ अपने सारे फ्रेंड्स जिसके साथ आप रोड ट्रिप में जाने के लिए तैयार हो या जाना चाहते हो तो जल्दी से उनके साथ शेयर कर दो। तो चलो अब गुड नाइट। लीसा तू अब तो आजा। इधर जो मैंने आज सिंगापुर से अपने लिए सारे गिफ्ट्स मंगाए थे वो लेके आई है। मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, पहले गले तो मिल ले। अरे हाँ अब मेरे गिफ्ट्स लेके आई है। उसे छोड़, जो तू सरप्राइज बताने वाली थी वो कहाँ है? चल गाड़ी तो बढ़िया चला रही है तू। बाय द वे तूने ड्राइविंग टेस्ट दिया था? अरे अपने यहाँ पहले ड्राइवर लाइसेंस बनता है फिर गाड़ी चलाना सीखते हैं। अच्छा तो मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछूं? बोल। अगर सामने एक नौजवान और एक बुढ़ा जा रहा हो तो तू क्या मारेगी? मैं ना बुढ़े को मारूंगी क्योंकि बुढ़े ने तो अपनी जिंदगी जी लिया है। अरे पागल है क्या तू, ब्रेक मारेगी। हाँ हाँ वैसे भी मैं मजाक कर रही हूँ, मैं ऐसी वैसी ड्राइविंग थोड़ी ना करती हूँ। भाई प्लीज ध्यान से चला और हाँ सीट बेल्ट पहन। हाँ पहन रही। बहुत मुश्किल से मिली। अच्छा अच्छी बात है ना तुम मेरे बर्थडे के आ गए, बहुत मजा करेंगे यार। अरे प्रिया तू भी आ गई? हम तो सवेरे ही आ गए थे, तुम दिखे ही नहीं हमें। अरे आजा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। चल बैठ जाओ। नीचे क्यों बैठ रही है, ठंडी लग जाएगी। अरे हम तो नीचे ही मस्त है। अच्छा प्रिया ये है लीसा, लीसा ये है प्रिया। ये लीसा ना मेरी बचपन से स्कूल में बहुत अच्छी दोस्त थी बट इसके पापा का सिंगापुर ट्रांसफर हो गया और लीसा प्रिया मेरे कॉलोनी में ही रहती थी और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे पर इसको चंगापुरम गांव जाना पड़ा। हाय हेलो हेलो। अरे नो बोर्ड क्या कर रहे हो ये लोग? हेलो मेरा 18 बर्थडे होने वाला है, बहुत ही ज्यादा मजेदार। क्या हम करेंगे गर्ल्स रोड ट्रिप। हम जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे गोवा वाले बीच पे, रानी आखे बीच के, ठंडी ठंडी। नहीं अभी तो हम सब 18 साल के ही हैं। एक काम करते हैं साइकिल से चलते हैं, वातावरण दूषित नहीं होगा। बर्थडे पे जाना है, बुढ़े होके नहीं जाना है। साइकिल में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। बेस्ट है रोड ट्रिप करते हैं। पर चलेंगे किससे? गाड़ी से। किसकी? मम्मी की। पर चलाएगा कौन? मैं। ओ ब्रो तू रहने दे, तेरी ड्राइविंग मैंने देख ली, वो मोटी मरते मरते बची थी। अरे काम करना तू चला ले, तू सिंगापुर में मम्मी की गाड़ी तो चलाती है अपनी, बड़ा स्नैप्स भेजती है। मैं अपनी मम्मी की गाड़ी चला सकती हूँ, किसी और की मम्मी की नहीं। तेरे पास लाइसेंस है, बड़ी बात क्या है, गाड़ी तो गाड़ी होती है। ओके ओके डन। तेरी तो पैकिंग हो रखी है तो तू गाड़ी की चाबी ले, तू अपने बैग के साथ स्नैप्स पैक कर और मैं अपनी पैकिंग के साथ उल्टी की दवाई ले आती हूँ इसके लिए। चलो 1 घंटा है, मम्मी आ जाएंगी, जल्दी चलो। 1 घंटे में पैकिंग करो चुपचाप। मैं आ गई, पहले मैं बैठूंगी आगे। मेरे को उल्टी की प्रॉब्लम होती है, समझा करना यार। मैं तेरी उल्टी की प्रॉब्लम ना सीधी कर दूंगी। अरे 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 क्या यार तुम लोग फ्रंट सीट के लिए लड़ रहे हो? वैसे भी जो भी आगे बैठता है ना उसको नींद नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर अगर वो सो गया तो गाड़ी चलाने वाला भी सो जाएगा। और वैसे भी तू इतना ठूस के आई है तो पक्का से 5 मिनट में बिल्कुल सो जाएगी। बात तो सही कह रही है। अबे मैं देखो रास्ता नहीं भटकने दूंगी, कहाँ दाएं जाना कहाँ बाएं जाना सब बता दूंगी। यार ये भी सही कह रही है। अरे उसके फोन में हमारे पास नेविगेटर है। और वैसे भी देखो याद है तुम्हें को मामा पापा से कितनी डांट पड़ती थी क्योंकि टीचर हर साल मेरे रिपोर्ट कार्ड में लिखती थी वेरी टॉकेटिव चाइल्ड। तो मैंने तेरे से इतनी बातें करूंगी तू बोल नहीं होगी। अबे हमें आगे बैठने दे, हम ना ऐसे ऐसे गाने बजाएंगे तेरा एकदम मूड बन जाएगा। अबे तू तो रहने दे, तेरा म्यूजिक टेस्ट एकदम लीचड़ है। पता है इसने अपने टीचर की बर्थडे पार्टी में लगा दिया था जिंदगी कभी मौत ना बन जाए। यार मेरे को आगे बैठने दे यार, मेरे को जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसे मिरर में देखते वक्त अपने जिंदगी को पीछे छोड़ते हुए आगे जाना है गोवा की तरफ। और प्रिया मेरा बर्थडे भी तो है आज, बस एक फ्रंट सीट नहीं दे पा रही तू। चल यार इतना इमोशनल मत कर, पर आते वक्त मैं बैठूंगी। हाँ हाँ ठीक है चल। बाकी सबके बैकपैक तो आ गई है ना? ठीक है, चलो गोवा हमारे हैं। गोवा वी आर कमिंग। अरे चलो गाना गाती हूँ और पैर फैला लेती हूँ। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, गिरने हैं सांसों में। एक मिनट, क्या हो गया तेरे को? आवाज ही नहीं आ रही तेरी। सांस मर गई क्या तेरी? यार मेरे को उल्टी उल्टी सी लग रही है। अच्छा ज्यादा लगेगी तो बता दियो, हम रोक देंगे, नहीं तो मैं तेरे को दवाई दे दूंगी। अरे लीसा 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 ध्यान से, बिना वीजा के हमें ऊपर मत पहुँचा दियो। अरे अरे तू चिंता मत कर। चलो मैं गाना चेंज कर देती हूँ और वाली ऊपर। यार लीसा इतनी सारी फ्रूटी पी ली, बहुत तेज सुसु आई है, प्लीज कहीं रोक दे। अबे यार तू तो पागल है, ये हाईवे है यहाँ पे, क्या करूँ? अच्छा एक काम कर, ये खेतों पर जाके कर ले। खेत में चली जाओ और क्या। रोक जल्दी, रोको मैं आ रही हूँ। भाई मजा आ गया खेत में सुसु करके, अब गाड़ी मैं चलाऊंगी। पागल है, अबे हमारे इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, गाड़ी चलाने के लिए कभी नहीं मिलती। तेरे लिए तो मजे हैं सिंगापुर में। मम्मी ना सिर्फ गाड़ी धुलाती हैं, कभी चिल्लाती नहीं है। प्लीज चलाने दो यार। जैसे रोनाल्डो के फुटबॉल में स्किल्स अच्छे हैं और उसको क्या बुलाते हैं, गोट। तो मेरे ना गाड़ी चलाने में स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं अभी बिल्कुल गोट हूँ, गोट। ओ वो तेरी स्किल देख लिया हमने, तेरी स्किल की वजह से हमें किल नहीं होना। वो मोटी मरते मरते बच गई थी। यार एक चीज को कितनी बारी बार बार बोलती रहेगी, चलना चलाने दे यार, दे दे। बर्थडे आज उसका। हाँ प्रिया बिल्कुल सही कह रही है। चल आजा। मेरा पालना मदारेदार चला। चलो कर रही है यार, झटके पे झटके मारी जा रही है। अरे ड्राइव करने दे और ये बातें बातें मत कर। और तू प्रिया जरा चिप्स निकाल। यार तो तेज चला ले लंतिया, तेरी कार से ज्यादा तेज तो भैंसे चल रही है। अच्छा अभी देख फिफ्थ गियर मारती हूँ। इतना तेज छोड़ना बोला था यार। यार किसी चीज में खुश नहीं होती तू। चल सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी। ट्रैफिक पुलिस वाले भैया, वो शायद लिफ्ट मांग रहे होंगे। अरे वो ट्रैफिक पुलिस वाला है, हमने लेकिन कुछ किया नहीं है। अरे अरे तू भगा ना, सिग्नल तोड़ के भगा। पागल है क्या, ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ने वाली मैं। अरे नहीं नहीं चलो 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 चलो, बस यहीं रुको, यहीं रुको, बाहर निकलो। चलो चल खड़ी हो, इधर खड़ी हो। हाँ जी अंकल, क्या हुआ? आपको लिफ्ट चाहिए थी? लिफ्ट तो अभी हम तुमको कराएंगे, निकालो लाइसेंस निकालो। अरे बट अंकल हमने कुछ गलत किया ही नहीं। ट्रैफिक पुलिस कौन? तो हम तय करेंगे हमें क्या करना, हमें ना सिखाइए, ठीक है? लाइसेंस निकालो। अंकल ये आधार कार्ड, ये वोटर आईडी कार्ड और ये राशन कार्ड। अगर राशन कार्ड ले रहे हो तो चावल भी दे देना। oh, no! तू चलान कटवा के ही मानेगी क्या? छोरी गाड़ी कौन चला रहा था? कहाँ को जा रहे हो? ए, तो तेरा लाइसेंस कहाँ है? मेरे पास है, फोन पर। यार लगता है लाइसेंस में अपना घर पे छोड़ गई। लाइसेंस नहीं मिला? अंकल शायद मैं घर पे छोड़ गई हूँ, फोटो दिखा दूँ आपको। फोटो वोटो से काम नहीं चलेगा, चालान भरना पड़ेगा। 5000 रुपए निकालो। भैया हमने ऐसी गलती क्या की जो हमें 5000 देना पड़े? 6000 भैया, 500 रुपए में डन करो ना। 7000 भैया, मैं विनोद भाई की बहन हूँ। 8000 भैया, ट्रैफिक पुलिस में हमारी पूरी पहचान है, छोड़ दो। 10000 का चला निकालो अब तो। भैया आपको भीख मांगनी तो थोड़ी इज्जत से मांगो। अरे तू पागल हो गई है क्या, इनसे क्यों पंगा ले रही है तू इतना बड़ा? ले लो भैया। हाँ बढ़िया। अंकल चलो अब इतने पैसे ले लिए हैं तो उसके बदले एक चीज ही बता दो, ये रास्ता कहाँ जाता है? ये बेटा ये मेरी बर्बादी की तरफ जाता है। क्या? क्योंकि इसी रोड पे ना मेरी शादी की बारात आई थी। हंसते हो? निकलो, निकलो, चल चल चल। अब देखो मेरा पूरा ना मूड खराब हो गया है। जो भी खाना है ना एक ही खाना है, ठीक है? हाँ। ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने। चलो मेरा तो मन ही नहीं कर रहा अब गोवा जाने का। अरे नहीं नहीं, तेरा बर्थडे है। सोच अगर हम गोवा पहुंच गए तो उधर समुंदर के पास लेट के कितना मजा आएगा, कितना एंजॉय करेंगे। पहले मेरे को कुछ ले देके खाने के लिए चाहिए। भैया क्या लगाना? भैया एक ये ला दो, ये सस्ता लग रहा है क्योंकि पैसे तो बचे नहीं है, सब लूट लिया। क्या हाईवे पे बस हमें किसी ठुल्ले ने पकड़ लिया। दीदी इधर तो दूर दूर तक कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है। अरे नहीं भैया आपको पता नहीं है लंबी है। यही तो है वो ट्रैफिक पुलिस वाला जिसने हमारे पैसे लिए थे। हाँ? अरे ये छुट्टन है, इसकी याददाश्त चले जाती है। कभी ये डॉक्टर बन जाता है, कभी पुलिस वाला बन जाता है, लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाता है। इसका क्या आज बेटर बनाए, हमने कहा चलो काम कर ले। इसने तुम्हारे सारे पैसे लूट लिए, अब क्या करेंगे? मांग लो भैया उससे हमारे पैसे। पैसे तो वापस मिलने वाले नहीं है, कुछ और देख लो और निकल जाना। चलो यार जल्दी जल्दी खाओ और फिर घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं घर नहीं जाएंगे, गोवा जाएंगे। गोवा इज ऑन। अच्छा खासा जाने तक हुआ, उस फेक आदमी ने पूरा मूड खराब कर दिया और ये लोग खा पी के सो गई। अब 1000, अरे 1000 भी नहीं, अब क्या करेंगे हम 900 रुपये में गोवा में। गोवा कैथ्स है, आगे से एक शॉर्टकट है, घर भी जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो लीसा प्रिया उठो, पहुंच गए गोवा। अरे वाह नमतिया, गोवा में सेम तेरे जैसे घर। अबे ये गोवा नहीं है, हम वापस घर आ गए हैं। क्या 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 तुम लोग सोए और मैंने यू टर्न ले लिया। गोवा से अच्छा मैं अपने गांव रह लेती। और मैं सिंगापुर। मेरी गाड़ी चलाना पनौती नहीं है, तुम दोनों हो पनौती। जब से तुम दोनों आए हो मेरे पूरे बर्थडे का कबाड़ा हो गया है। अब तुम घर तो जा नहीं पाओगे, तो आओ ऊपर गद्दे पे सो जाना और मैं दाल चावल खिला दूंगी नॉर्मल। A road trip is not about the destination, it's about the memories. तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये रोड ट्रिप? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।